नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस फोगाट, मदर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण रहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो आपके जॉइंट्स हैं उनके अंदर आपको पेन हो रहा है, उनके अराउंड आपको सूजन नज़र आ रही है। स्पेशली अगर बात करें तो स्मॉल जॉइंट को ये समस्या अधिक अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज जॉइंट बॉडी के। इसके अंदर जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं इनके अंदर सडन पेन रहता है। सडन पेन के अंदर आपके एक ही दम में पिंचिंग टाइप का स्टिक टाइप का पेन आएगा, जिसके बाद धीरे 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 ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाएगा। साथ साथ काफ़ी पेशेंट के जो यूरिक एसिड का अगर उनका टेस्ट करवाएं तो यूरिक एसिड का टेस्ट के अंदर 7.35 से ऊपर उनकी वैल्यू दिखती है, तो वो एक संकेत है कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी किडनी अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर जनरली इस बीमारी के अगर हम कारणों के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्य कारण जो नज़र आता है वह मुख्य कारण है हमारी किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। किडनी का फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी कम है, इसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ साथ और भी काफ़ी ऑटो इम्यून डिजीज भी इसको माना जाता है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ऑटो इम्यून एक फैक्टर काम करता है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर और कारणों के बारे में बात करें तो ये चीज़ें जनरली आपका जो जितने भी मेल पेशेंट है, अगर मेल पेशेंट के अंदर बात करें तो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। अगर जनरली बात करें तो ये 5:1 रेशियो रहता है, 5 महिलाओं में मिलता है और 1 पुरुष के अंदर, जो ये रेशियो रहता है। अगर ये महिलाओं के अंदर ये चीज़ें 30 से 40 की एज क्राइटेरिया के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ना कॉमनली देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एज फैक्टर के कंपैरिजन में। धीरे धीरे आपके जॉइंट्स से जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन भी रहता है, आपकी फिंगर्स हैं उनके अंदर सूजन दिखाई देती है, उनमें रेडनेस भी आ जाती है, आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में भी अच्छे से नहीं प्ले कर पाते, इतना ज़्यादा शार्प टाइप का पेन रहता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का अगर हम इलाज के बारे में बात करें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव होम्योपैथी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, जिनसे आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कम आ जाएगा, साथ साथ आपकी किडनी अच्छे से यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट कर पाएगी। जितने अच्छे से आपकी बॉडी से यूरिक एसिड निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, उतने आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मल आ जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ साथ जो पेन रहता है और जो जनरल सिम्टम्स रहते हैं वो चीज़ें भी नॉर्मल आ जाती हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ। काफ़ी लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम की जो मेडिसिन है काफ़ी लॉन्ग चलती है होम्योपैथी के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी के अंदर ये डिपेंड अपन पेशेंट का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे सिम्टम्स पेशेंट बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को दवाई दी जाती है, जिसके कुछ ही महीने का कोर्स रहता है। 1 से 2 महीने के अंदर जिन भी पेशेंट को जोड़ है जोड़ों के अंदर सूजन है और कोई कंप्लेंट्स हैं, वो चीज़ें ईजिली रिकवर अप कर जाती हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनके जोड़ों के अंदर और भी कंप्लेंट्स हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट्स हैं, या फिर घुटनों से चला नहीं जाता है, या फिर काफ़ी पेशेंट जैसे ओल्ड एज के दौरान डायबिटीज़ की वजह से पैरों के अंदर सूजन रहती है, पैरों के अंदर नमनेस टाइप की जैसे सूनापन जिसे कहा जाता है वो रहती है, उन सभी ट्रीटमेंट होम्योपैथी की दवाइयों से 100% ठीक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आप और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।